नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के सेकंड रिजल्ट में जो हुआ उसके बारे में। यानी कि दोस्तों, यूपी पुलिस ने जो दोबारा से रिजल्ट जारी किया है उसमें ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया है जिनके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है। आखिर ऐसा क्यों किया है दोस्तों? आपके सामने हम ऐसे एक विद्यार्थी को लेकर आ रहे हैं जिनका स्कोर यहाँ पर कट ऑफ से भी ज़्यादा है और उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शर्वन प्रवासी की। तो दोस्तों, इनका नंबर बोल रहे हैं कि यह इनका 198 नंबर है और एससी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने 26 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, लेकिन इन्होंने इनका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है और ना ही इनका सिलेक्शन होने का कुछ मैसेज या फिर ईमेल आया है। ऐसे दोस्तों, यदि आप बात करें कट ऑफ की, तो एससी का कट ऑफ यहाँ पर रहा है 172 नंबर। दोस्तों, 172 और 198 बहुत सारे नंबरों का डिफरेंस है। आखिर क्यों नहीं हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों फीमेल की। तो दोस्तों, फीमेल कैटेगरी का ऑल फीमेल का कट ऑफ यहाँ पर रहा है 181 नंबर। लेकिन दोस्तों, राजेश्वरी कुमारी जी यहाँ पर बोल रही हैं कि सर मेरे 194 नंबर है लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हर सभी स्टूडेंटों के साथ। वहीं बात करते हैं दोस्तों इनका, देखिए इनका दोस्तों 25 अक्टूबर को पेपर दिया था, इनके 207 नंबर है लेकिन दोस्तों इनका अभी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। और दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी की, 206 नंबरों का भी इनका और दोस्तों इनका भी यहाँ पर नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ विद्यार्थी और हैं और नहीं दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जिनका यहाँ कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंटों से मिलवाते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे कमेंट में बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए हैं जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राज स्टेटस भी बोल रहे हैं कि हमारा 204 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और 26 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में यहाँ इन्होंने पेपर दिया था लेकिन इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर दोस्तों ये भी बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट है, एक 25 को दिया था, 207.5 नंबर आए हैं इनका, ओबीसी कैटेगरी है फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों ओबीसी का यहाँ पर कट ऑफ रहा है 204 नंबर, यानी कि 3 नंबर प्लस होने के बाद भी इनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं, देखिए इनका 198 है तो फिर भी नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, इनका ये विद्या चौधरी जी है, इनका 197 नंबर है दोस्तों, इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। और दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये देख लीजिए आप, यह प्रिया यादव जी के भी बोल रही हैं, 25 अक्टूबर को पेपर दिया था और इनका पेपर नंबर 197 नंबर आ रहे हैं फिर भी दोस्तों इनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट और हैं जिनका हम आपको एक एक करके तो नहीं दिखा सकते लेकिन कुछ स्टूडेंटों का हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। देख दोस्तों, यहाँ पर जया जी भी बोल रहे हैं, इनका 217 नंबर ओबीसी है और 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, इनका भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आखिर इतने नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आखिर सिलेक्शन हुआ किसका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, यूपी बोर्ड ने नंबर शो करके नहीं दिखा रहा है कि आपके नंबर कितने हैं और कितने नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, अभी सब देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर दोस्तों कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा होने के बाद भी इनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर जे बी बोर्ड है, इनके 204 नंबर है 26 अक्टूबर की और सेकेंड शिफ्ट में दिया था इन्हें, इनका भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया है। कुछ लोग तो यहाँ दोस्तों सब मजाक समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है सभी बकवास है, ठीक है दोस्तों। इनका देखिए दोस्तों, 170 है एससी कैटेगरी और इनका भी यहाँ पर नहीं हो पाया, 26 की शिफ्ट में इनका पेपर हुआ था। और दोस्तों, इनका देखिए 196 नंबर है, इनका भी यहाँ पर नहीं हो पाया ओबीसी, ठीक है ओबीसी 196 नंबर 26 अक्टूबर को हुआ था, इनका भी यहाँ पर नहीं हो पाया है। और दोस्तों, मेन बात सर, देखिए राधेश श्याम जी यहाँ पर 208 नंबर है, इनने 25 अक्टूबर को पेपर दिया था, जो ये भी बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर नहीं हुआ है तो क्या किया जाए। दोस्तों, आप कुछ बोल नहीं सकते कि आकर किसका यहाँ पर क्या हुआ है, बोर्ड जो भी करता है वो हमेशा उसकी नज़रों में सही रहता है, बाकी की नज़रों में सही रहे अथवा
ना रहे। दोस्तों हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों अब केवल क्या कर सकते हैं, तो हम वेट ही केवल कर सकते हैं। क्या इसमें कोई सुधार होगा कि जो बच्चों के साथ हो रहा है गलत वह सही हो? दोस्तों यदि आवाज़ इसकी उठी तो ज़रूर बोर्ड को कुछ करना होगा, या फिर बोर्ड के लिए यहाँ पर नंबर शो करने होंगे कि आपको यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर कट ऑफ से भी ज़्यादा स्कोर होने के बाद भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसे स्टूडेंटों में शामिल हैं जिनका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ भाई लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आज कुछ नहीं कर पाए तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे आप अपनी जान का एक टोल फ्री नंबर जो दिया रहता है तो उसको कॉल करिए, उनसे पूछिए सर ऐसा क्यों हुआ है कि नंबर होने के बाद भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी यहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों वो आपके लिए बिल्कुल सही जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। दोस्तों या तो फिर बोर्ड वाले बोलेंगे कि जो नंबर आपके अनुसार यहाँ पर आ रहे हैं वह बोर्ड के अनुसार आपके उतने नंबर नहीं आ रहे, यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है आपके जोड़े में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अपन उसका कोई भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर कुछ मान लेते हैं और बोर्ड उसका आंसर कुछ भी मान सकता है। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पर चेक किए होंगे वो बहुत अच्छे से चेक किए होंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यूपी पुलिस की वेबसाइट पर दो बार यहाँ पर आंसर की अपडेट की गई थी और आपने आंसर की अपडेट करके यहाँ पर अपने क्वेश्चन मिलाए होंगे जिनमें आपके नंबर जो है वह आ रहे होंगे और जो आपके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे तो वो भी आपने अच्छे से सावधानी पूर्वक ही मिलाए होंगे। तो दोस्तों आप कुछ कर नहीं सकते, यदि बोर्ड चाहे तो वह फिर से एक बार इसकी इंक्वायरी कर सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिन बच्चों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनका यहाँ पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों बोर्ड पर यूपी बोर्ड पर भरोसा रखिए, यदि वो कर रहा है तो कुछ ना कुछ सही ही कर रहा होगा, वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यदि आप को यह वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो उसको आप तक आसानी से हम पहुंचा सकें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं बस अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।